हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में। आज हम बात करेंगे संत बेचने वाले को पद्मश्री का सम्मान कैसे। कहते हैं कि जिसने कभी चांद न देखा हो और चांद पे जाने की बात करे, आप बोलेंगे पागल है क्या। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करने वाला हूं जो चांद को जमीन पे ला दिया और अपने गांव के बच्चों का भविष्य तारों सा चमका दिया। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ उस शख्स की जिसने संतरे बेचने के साथ साथ भी कुछ ऐसा किया जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ हरिकाला हजब्बा जी की, जिनको अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। हमारा सीना बिल्कुल चौड़ा हो गया है, क्योंकि ऐसे लोगों को जब अवार्ड मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ हमारे भारत में ऐसे लोग भी हैं जो इस समाज को आगे ले जा सकते हैं। भले ही आप शिक्षित हो या ना हो, आपके पास एजुकेशनल डिग्री हो या ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपका यदि दृढ़ निश्चय और आपका डिटर्मिनेशन अच्छा है तो आप समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ऐसा इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें छोटी सी चीजों पे हम घबरा जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। आप जैसे आप स्टूडेंट, आपके पास फैसिलिटी सारी होती है, आप घबरा जाते हैं, आप कहते हैं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। बट इनसे हमें सीखने को मिलती है, ना कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड, ना कोई एजुकेशन शिक्षा, फिर भी इनको स्कूल खोलने का एक दिमाग में थॉट आया। इन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे बट करेंगे। आप बिलीव नहीं कर सकते, जिनका खुद एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बच्चों को एजुकेशन के बारे में सोच लेना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने स्कूल क्यों खोलने का ऐसा सोचा, इसके पीछे एक इंसिडेंट है, वो भी आपको समझना होगा। होता क्या है कि एक बार स्कूल खोलने का इनके पास कैसा आइडिया आया, कैसे इनको सोचा कि चलो स्कूल खोलते। एक बार क्या हुआ, इनसे कुछ टूरिस्ट थे, फॉरनर, तो उन्होंने इनसे ऑरेंज का प्राइस पूछ लिया। ये बता ना पाए, इनको बड़ी शर्मिंदगी लगी, इनके आत्मसम्मान में बड़ा ठेस पहुंचा कि मैं इतने दिन से इस काम को कर रहा हूं, मैं प्राइस नहीं बता पा रहा हूं। इन्होंने उसी समय निश्चय लिया कि हम एक काम ये करते हैं कि हमने ये चीज फेस की, बट हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज को फेस ना। इन्होंने इसी कारण से स्कूल ओपन किए अपने गांव में। बट स्कूल ओपन करने का जो सफर रहा, इतना आसान नहीं था। 1995 में इन्होंने सोचा चलो हम ओपन करते हैं। 1995 से 1999 में आने तक इन्हें इतना टाइम निकल गया स्कूल खोलने की मंजूरी, क्योंकि मंजूरी लेनी होती है स्कूल खोलने के लिए। तो ग्राम पंचायत ने इन्हें मंजूरी दे दी, ठीक है आप ओपन कर सकते हैं। बाद में इन्हें प्रशासन की तरफ से भी मंजूरी मिल गई स्कूल ओपन करने के लिए। हजब्बा जी का ये जो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है। अच्छा, एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी यहां से। इन्होंने जब 1995 में स्कूल ओपन किया, क्या इन्हें कभी ये फील हुआ था कि हमें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? ना कोई लालच, ना कोई स्वार्थ, सिर्फ एक दिल में ईमानदारी थी कि हमें अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करना है। कहते हैं कि किसी भी समाज का यदि निर्धारण करना हो, समाज को सही रास्ते पर ले जाना हो, तो शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शिक्षा के माध्यम से समाज का निर्माण होता है। ये चीज इनसे हमें सीखने की जरूरत है। इसीलिए बच्चों, आप लोग जहां भी हैं, जिस तरीके से भी, यदि कोई शिक्षा से वंचित है, तो आप प्रयास करें कि उनको भी शिक्षा का मौका मिले, कैसे भी करके। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने को आज मिला कि हम अपने डिटर्मिनेशन को यदि बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं तो हम कोई भी चीज अचीव कर लेते हैं, भले ही हमारे पास वो चीज की काबिलियत हो या ना हो। काबिलियत ही हर कुछ नहीं होती। पहले हम लोग बचपन में जब गांव जाते थे तो कहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई भी होनी चाहिए। कहते हैं पढ़ा ना हो तो कढ़ा तो बहुत। तो आपको हर एक चीज का अपने में ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूं, भले ही हमारे पास कुछ चीजें हो या ना हो। हमें डिटर्मिनेशन, हमारा दृढ़ निश्चय इतना अच्छा हो चाहिए कि वी कैन अचीव एवरीथिंग। So, आप भी इसी डिटर्मिनेशन के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। आई होप आने वाले दिनों में आप सिलेक्ट होंगे, तो इसी आपका दृढ़ निश्चय बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए।
और बच्चों आप लोगों को यदि अनएकेडमी का प्लस कोर्स चाहिए तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे प्लस कोर्स में पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर स्कोर, लिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा, अनएकेडमी आपको बहुत ही सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड प्राइस है, बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस है, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसमें आपको सारे एजुकेटर के वीडियो, सारे एजुकेटर के लेक्चर, पीडीएफ्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो सो आप लोग वीडियो को लाइक करें। और हाँ, हमें हजब्बाजी से बहुत कुछ सीखने को मिलती है, चीजें मिली हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग ऐसे शख्स के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।